आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। रुक जाइयो। जागीसुरनाथ क्रिकेट क्लब कमेटी और महाकाल क्रिकेट क्लब बांदकपुर के बीच फाइनल मुकाबला रुद्र मैदान में हुआ, जिसमें महाकाल क्रिकेट क्लब विजयी हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए महाकाल क्रिकेट क्लब ने शानदार 171 रन बनाए, जिसमें मोहित दुबे 52 रन, चित्रांश दुबे, प्रदीप पाठक 5 विकेट के लिए और मैन ऑफ द मैच रहे। आयोजन के मुख्य अतिथि श्री सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम यादव रहे। इसके साथ ग्राम के युवा खिलाड़ी रजनीश सिंघई, नवीन सिंघई, शंकर गौतम, अंशु दुबे, नरेश राठौर, देवेश पाठक, प्रदीप पाठक, प्रसून गुप्ता, गौरव यादव, यशपाल ठाकुर, सत्यम दुबे, गुरु अनिकेत यादव, आशय दुबे, संतोष रैकवार, कपिल विश्वकर्मा, आदर्श दुबे, विक्कू नायक, आयोजन समिति अध्यक्ष बब्बन अनिल दुबे एवं संजू बंसल, मुकेश बंसल, सतीश बंसल, कुट्टू भाई शामिल रहे। जी बताएं, आज क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ है बांदकपुर युद्ध मैदान में, कैसा आयोजन रहा? इस टूर्नामेंट का बहुत ही सफल आयोजन रहा, जो कि इसमें समस्त ग्रामवासी सहयोगित रहे और हमारी टीम ने, जो कि महाकाल क्रिकेट क्लब ने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में विजयी हुए। हम अपनी टीम के लिए शुभकामना देते हैं कि वो इसी प्रकार आगे भी खेलते रहें और सदा हम लोगों पर शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। पहली टीम ने कितने रन का लक्ष्य रखा था? हम लोगों ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रनों का लक्ष्य रखा था सामने वाली टीम के लिए, जो कि उन्होंने करीब 100 रन बनाए जी जी, और 70-71 रन से हम लोग जीता रहे जी जी। इसमें वासुदेव पाठक ने 5 विकेट और 35 रनों का सहयोग दिया। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? वासुदेव पाठक मैन ऑफ द मैच रहे और हमारी जो कि ओपनिंग जोड़ी रही वो उसने अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि करीब 100 रन का उन्होंने फर्स्ट विकेट जो 100 रन पर गिरा हमारे, इस कारण से मजबूत स्थिति में हम लोग की टीम रही और विजेता हासिल जी। आयोजन हुआ आज? जय जागेश्वरनाथ। बांदकपुर में चल रहा करीब 15-20 दिन से क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला था, जिसमें महाकाल 11 और JJN जय जागेश्वरनाथ क्रिकेट क्लब के बीच फाइनल मुकाबला था, जिसमें हमारी टीम विजयी रही, जिसमें हमारी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, सामने वाली टीम को 172 बने थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 रन बना सकी सामने वाली टीम। और हम सभी अपनी टीम के खिलाड़ियों को धन्यवाद कहते हैं और बधाइयां देते हैं, उनने बहुत ही सहयोग किया और फाइनल में विजय रही। और एक विनम्र अनुरोध शासन प्रशासन विधायक से भी है कि बांदकपुर में अगर एक स्टेडियम बन जाए, जिससे हम लोग थोड़ा और तरक्की करें, थोड़ा और अच्छा खेलें और बांदकपुर जैसे महाशिवनगरी के नाम से जानी जाती है बांदकपुर, इसका नाम रोशन कर सकें। जय जागेश्वरनाथ। उनके कोच भाई यशपाल जी बताएं कैसा आयोजन रहा? रुद्र मैदान में भव्य टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें महाकाल टीम और कुट्टू 11 के बीच मैच हुआ, जिसमें महाकाल टीम ने 176 रन की पारी खेली और सभी खिलाड़ियों को द्वारा अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें दुबे ने 50 रन और मोहित ने 67 रन और देवा ने, पंडित ने, रजनीश ने, वासु ने, सभी ने अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाकर महाकाल टीम को विजेता बनाया। धन्यवाद।